ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज पापमोचनी एकादशी है। इस दिन विष्णु जी की पूजा के साथ इन विशेष उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कौन सी परेशानी के लिए कौन से उपाय को करना लाभदायक रहेगा, ये जानेंगे। अगर आपके बिजनेस को किसी की बुरी नज़र लग गई है, जिसके कारण बिजनेस में आपका प्रॉफिट कम हो गया है, तो आज के दिन 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल ले। अब इन्हें मंदिर में स्थापित करके इनकी धूप दीप आदि से पूजा करें और पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र और एकाक्षी नारियल बांधकर अपने ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। यदि आपका पैसा अपने ही किसी जान पहचान वाले के यहाँ फंस गया है और अब वह आपको पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहा है और आप भी उनसे पैसा मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आज के दिन एक गोमती चक्र ले और शाम के समय अंधेरा होने पर किसी वीरानी जगह में या घर के बाहर खाली पड़ी जगह पर जाकर एक गड्ढा खोदे और श्री विष्णु का नाम लेते हुए गोमती चक्र उस गड्ढे में दबा दे और भगवान से प्रार्थना करे कि वह व्यक्ति आपका पैसा लौटा दे। घर, ऑफिस या दुकान की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए आज के दिन एक छोटा सा पीला कपड़ा और 11 गोमती चक्र ले। उस पीले कपड़े को मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रख दे और उस पर एक एक गोमती चक्र मंत्र बोलते हुए रखते जाए। एक गोमती चक्र पीले कपड़े पर रखें और मंत्र बोले ओम नारायणाय नमः। इस तरह बाकी गोमती चक्र भी रखें। अब धूप दीप आदि से विधि पूर्वक श्री विष्णु, देवी लक्ष्मी और मंदिर में रखे गोमती चक्र की पूजा करें। पूजा के बाद उन गोमती चक्रों को वहीं रखा रहने दें और अगले दिन उनमें से 5 गोमती चक्र को अपने घर की तिजोरी में, 5 गोमती चक्र को अपनी दुकान या ऑफिस की तिजोरी में और आखिरी बचे हुए एक गोमती चक्र को उसी पीले कपड़े में बांधकर मंदिर में रख दें। अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो आज के दिन एक कच्चा जटा वाला नारियल और 8 बादाम लेकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा दें। आज के दिन ऐसा करने से नौकरी में आपके प्रमोशन के चांस बढ़ेंगे। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के कारण आपके दाम्पत्य संबंधों में परेशानी चल रही है, बात बात पर झगड़े होते रहते हैं, तो आज के दिन सुबह स्नान के बाद घर में ही भगवान विष्णु की प्रतिमा या मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाए। साथ ही एक लोटे या गिलास में जल भरकर रख ले और उसमें थोड़ा गुड़ और लाल फूल डाल दे। अब भगवान विष्णु के मंत्र ओम नारायणा नमः का कम से कम एक माला जाप करे। जाप के बाद भगवान से दोनों हाथ जोड़कर अपने रिश्ते में चल रही परेशानी को दूर करने के लिए प्रार्थना करें और जाप के समय रखे हुए जल को पीपल की जड़ में चढ़ा दें। अगर आपका जीवन साथी आपसे ठीक से बात नहीं करता, आपसे कटा सा रहता है, तो आज के दिन एक पीपल का पत्ता लेकर उसे साफ पानी से धो लें और उस पर लाल रोली से श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और अपने रिश्ते की मधुरता को बनाए रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि आपके बीच कभी किसी प्रकार की अनबन ना हो। अगर आपको लगता है कि आपका पति या आपकी पत्नी अब आपसे पहले जितना प्यार नहीं करते हैं या आपके रिश्ते में अब पहले जैसी मिठास नहीं रही, तो आज के दिन केले के पेड़ की धूप दीप रोली चावल आदि से पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर मिला हुआ दूध अर्पित करें और 20 मिनट बाद उस प्रसाद को पी लें। अपने और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका पूरा परिवार सेहतमंद रहेगा और आपको स्वास्थ्य से जुड़ी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरों की भीड़ में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए और समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए आज के दिन मंदिर में जाकर श्री विष्णु को अच्छी खुशबू वाला इत्र अर्पित करें
और अर्पित करने के बाद भगवान के चरण स्पर्श करके उसी इत्र में से थोड़ा सा इत्र अपने भी लगा ले। अब श्रवण करेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आम्ल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा माधान्ता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा माधान्ता को बताया है वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा माधान्ता ने धर्म के गृहतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे निरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम था। उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ किर्रा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी होस्ट पोस्ट भी थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा और काफी समय तक वे रमन करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे रिसीवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्रा, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे रिसीवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें उस समय का ज्ञान हुआ, उन्हें रमन करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ
भ्रीकुटी तान कर देखने लगे, क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगे। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और कृपा करके मुझे बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार से होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है, इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं, कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं एकादशी माता की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पर व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।